हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा आपको पता है कि आज है 15 मई। डेली आपको कह सकते हैं कि केएलडी क्लासेस के माध्यम से मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेयर के क्वेश्चन कराए जाते हैं, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन ये है कि भारतीय विमानन कंपनी जेट एयरवेज के सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कह सकते हैं, या मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसका क्या नाम है? अनुराग कश्यप, विनय दुबे, अजय त्यागी या राकेश शर्मा? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो विनय दुबे जी हैं, ये आपका जो जेट एयरवेज जो कह सकते हैं विमानन कंपनी, यानी कि जो होता है ना कि यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है कह सकते हैं, तो उसके ये सीईओ थे। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि आपको पता होगा कि जेट एयरवेज इधर लगभग पिछले 1 से 1.5 महीने के बीच में लगभग हमेशा ट्रेंडिंग में इसका टॉपिक रहता है, क्योंकि ये दिवालिया हो गया, यानी कि कह सकते हैं इसके कर्मचारियों को यानी कि वेतन नहीं मिल पा रहा, यानी कि इसके पास खुद पैसे ही नहीं, तो कहाँ से ये दे पाएगा। तो इसी के जो सीईओ थे, उन्होंने भी अपने पद से 4 लोगों के साथ इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं आज के सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन ये है कि भारत की कौन सी महिला, यानी कि कह सकते हैं कि भारत की कौन सी पहली महिला आईसीसी क्रिकेट मैच की महिली, यानी कि कह सकते हैं पहली मैच रेफरी। रेफरी का मतलब आप समझते हैं ना, कि जैसे होता है ना कि जब आप कोई भी होता है कि जैसे एक इंपायर कह सकते हैं कि आपके दो इंपायर पिच पे होते हैं, और एक इंपायर जो होता है यानी कि आपका वहाँ पे अंदर यानी कि ऑफिस में बैठा रहता है लैपटॉप के साथ, यानी कि पूरे कंप्यूटर सेटअप के साथ कह सकते हैं। तो कोई भी मामला जब बहुत ही नज़दीकी आता है कह सकते हैं कि जब वहाँ पे यानी कि पिच पे नहीं सुलझ पाता है, तो वो वहाँ पे रेफरी के पास जाता है, तो वहाँ से वो पूरा छानबीन डेट बॉल है कि नो बॉल है सारा चेक करने के बाद जब वो देता है यानी कि कह सकते हैं आउट या नॉट आउट देता है, तो वही आपका होता है मैच रेफरी। तो कह सकते हैं तो वो किसे, यानी कि कह सकते हैं पहली महिला किसे बनाया गया, ये आपको बताना है। जी एस लक्ष्मी, क्लेयर पोलोसेक, मिथाली राज या पूनम यादव? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि जी एस जो लक्ष्मी जो भारत के कह सकते हैं आंध्र प्रदेश से रहने वाली हैं, इनको यानी कि आईसीसी जो क्रिकेट मैच कह सकते हैं होता है, ये महिलाओं की कह सकते हैं कि पहली रेफरी बनी है कह सकते हैं। इसमें एक और नाम दिया है कह सकते हैं कि क्लेयर पोलोसेक। ये क्लेयर जो पोलोसेक है, ये कह सकते हैं कि पुरुषों के जब मैच होता है तो उसमें कप्तान यानी कि कह सकते हैं कि इंपायरी करने वाली पहली महिला ये है क्लेयर पोलोसेक, तो आप इनको याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आज के तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने हाल ही में अपने शिमला प्रशिक्षण मुख्यालय को उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में स्थानांतरित करने जा रहा है? जैसे आपको पता होगा कि जो शिमला प्रशिक्षण केंद्र है वो पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ पे यानी कि कह सकते हैं कि सेना को आने जाने में बहुत ही दिक्कत होता है, यानी कि कह सकते हैं कि समय बहुत ज़्यादा लग जाता है, और कई बार तो प्रॉब्लम हो जाती है यानी कि एक्सीडेंट हो जाता है, या इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम, आपको पता है कि पहाड़ पर चढ़ना या उतरना दिक्कत ही है कह सकते हैं। तो उसको हाल ही में देखते हुए जो यानी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में, वही जो शिमला प्रशिक्षण केंद्र था उसको उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थानांतरित किया जा रहा है? लखनऊ, कानपुर, मेरठ या इलाहाबाद? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो मेरठ शहर है यहाँ पे यानी कह सकते हैं कि जो सेना का प्रशिक्षण होता है कह सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में किस तरह से सेनाओं को यानी कि ट्रेनिंग दिया जाता है, तो इसको जो सेंटर है उसको यहाँ पे यानी कि मेरठ शहर में ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो इससे कई चीज़ों की बचत होगी, क्योंकि आपका जो मेरठ है ये आपके हाईवे पे आ गया है, यानी कि जो सेंटर खोला जाएगा वो हाईवे के पास है, तो यानी कि आना जाने में आसानी अब होगी। आगे बढ़ते हैं आज के चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे नई दिल्ली हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया? अभी कल ही क्वेश्चन था कि कितने यानी कह सकते हैं कि भारत में कितने हाई कोर्ट के यानी कि कह सकते हैं कि नए मुख्य न्यायाधीश आने वाले हैं, तो मैंने बताया था कि 4, लेकिन अब उसमें हो गया कि दिल्ली के आ चुके, यानी कि दिल्ली का फिक्स हो चुका है, और जो 3 राज्य के थे यानी कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उनका भी यानी कि कह सकते हैं कि नाम फिक्स नहीं है। जैसे उनके बारे में कुछ भी डिटेल आएगा मैं वहाँ पे यानी कि आपको डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो ये है क्वेश्चन कि हाल ही में किसे नई दिल्ली हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश बनाने की मंजूरी दी गई है? राजेंद्र मेनन, धीरूभाई नारायण, डीवाई चंद्रचूड़ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, धीरूभाई नारायण भाई पटेल। देखिए नाम बहुत लंबा है, धीरूभाई नारायण भाई पटेल, ये कह सकते हैं कि आपके यानी कि जो दिल्ली है कह सकते हैं दिल्ली हाई कोर्ट के ये मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। कब बनेंगे? तो 7 जून को, यानी कि 7 जून 2019 तक। आपके जो वर्तमान की मैं बात करूँ तो वर्तमान में राजेंद्र मेनन है, इनका कार्यकाल 7 जून 2019 को ख़त्म हो रहा है, उसके बाद ये आपके धीरू भाई नारायण भाई पटेल यानी कि कह सकते हैं कि दिल्ली के यानी कि आपके यानी कि मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके यानी कह सकते हैं कि आपके बाएं साइड में आपके ये जस्टिस धीरू भाई नारायण पटेल, ये देखिए आपने लिखा भी आप देख सकते हैं, और ये इधर यानी कि दाएं साइड पे जो आपके हैं राजेंद्र मेनन जी हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं आज के पाँचवें नंबर क्वेश्चन पे। पाँचवें नंबर क्वेश्चन, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो उनके लिए बहुत ही अच्छा खुशखबरी है। क्वेश्चन है कि हाल ही में हुए सर्वे में कौन सा न्यूज़पेपर पूरे भारत देश में दूसरा सबसे अधिक
पढ़े जाने वाला अखबार। अभी कह सकते हैं कि कुछ दिन पहले, हफ्ते दे कह सकते हैं कि 10 दिन पहले न्यूज आया था कि अमर उजाला जो है आपका वो दूसरे स्थान पे है, यानी कि तीसरे स्थान पे, सॉरी, यानी कि अमर उजाला जो तीसरे, तो दूसरे वाला भी आ चुका। इसका मतलब अब पहले वाला भी जल्दी ही आ जाएगा। क्वेश्चन है कि हाल ही में हुए सर्वे में कौन सा न्यूज़पेपर पूरे भारत देश में दूसरे सबसे अधिक, यानी कि दूसरा सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला अखबार बना है? अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान या द हिंदू? तो आपको पता होगा कि यानी कि हिंदुस्तान जो न्यूज़पेपर होता है ये दुनिया में, यानी कि भारत देश में, यानी कि दूसरे स्थान पर पढ़े जाने वाला सबसे बड़ा। और आपका अगर बात किया जाए कि यानी कि पहले स्थान पर कौन है, तो आपका पहले स्थान पर दैनिक जागरण है, दूसरे पर हिंदुस्तान, तीसरे नंबर पे आपका अमर उजाला है। तो अगर बात किया जाए कि हिंदुस्तान जो न्यूज़पेपर है इसमें कितने लोग इसको पढ़ते हैं डेली, कह सकते हैं तो लगभग, यानी कह सकते हैं कि 5.5 करोड़ लोग यानी कि डेली इसको पढ़ते हैं, कह सकते हैं इस न्यूज़पेपर को, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन, यानी कि लगभग इतने लोग पढ़ते हैं। तो आप हिंदुस्तान के बारे में अच्छी तरह से जानते ही होंगे। आगे बढ़ते हैं आज के 6ठे नंबर क्वेश्चन पे। 6ठा नंबर क्वेश्चन आपके अवार्ड से क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को हाल ही में कौन से पुरस्कार से नवाजा गया है? पद्मश्री, एशिया वन पर्सन ऑफ द ईयर, राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एशिया वन पर्सन ऑफ द ईयर से, यानी कि जो आपके सानिया मिर्जा जी हैं, आपको पता होगा कि यानी कि ये टेनिस खिलाड़ी हैं, इनको ये पुरस्कार मिला। क्यों मिला कह सकते हैं कि आपका जो यूएई, यानी कि यूएई, यानी कि कह सकते हैं कि आपका जो अबू धाबी शहर में यानी कि जो खेल हो रहा था उसको आयोजन, या उसमें जो कह सकते हैं कि होता ना कि पूरे अच्छे तरह से काम कराने के लिए, यानी खेल को संपन्न कराने के लिए ये इनको पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं आज का जो लास्ट क्वेश्चन, जो आपके थंबनेल पे दिखाई दिया होगा। क्वेश्चन है कि किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी 2024 में एक साथ चंद्रमा पर पुरुष और महिलाओं को भेजने की योजना बना रहा है? भारत, अमेरिका, चीन या रूस? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेरिका जो देश है वो 2024 में टारगेट है, कह सकते हैं कि स्त्री और पुरुष को एक साथ, अभी तक है या तो स्त्री जाती थी या तो पुरुष, अब दोनों को एक साथ यानी कि 2024 में भेजने की यानी कि प्रक्रिया चालू हो गई है। तो जैसे हमारे यहाँ यानी कि जो अंतरिक्ष एजेंसी होती है इसरो, उसी तरह से जो अमेरिका है देश है वहाँ पे अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है, तो नासा है। तो उसके माध्यम से यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों को 2024 में टारगेट है वहाँ पे भेजेगी। तो ये थे हमारे आज के यानी कि 15 मई के कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के कह सकते हैं क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें। इसी तरह से आप केएलडी क्लास में बने रहिए। केएलडी क्लास में बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों को केएलडी